पीएम मोदी ने हाल ही में कहा था कि जो 8 सीट पर लड़ रहे हैं वो पीएम की रेस में हैं। जाहिर है 20, 30 और 40 सीटों पर लड़ने वाले भी पीएम के कुर्सी के दावेदार हैं। अब इन दावेदारों की एक नई लिस्ट एनसीपी के शरद पवार ने जारी कर दी है। इस लिस्ट में 40 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली मायावती हैं, ममता बनर्जी हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिनकी सत्ता 23 मई को बचेगी या नहीं वो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी हैं। मराठा नेता शरद पवार ने अपनी सहयोगी कांग्रेस के राहुल गांधी को इन तीनों से सबसे खराब दावेदार माना है। पीएम पद पाने के लिए ललायत राहुल गांधी को मायावती, ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू से राहुल गांधी को शरद पवार ने एक तरह से पीएम पद की दावेदारी से बाहर कर दिया। मजेदार बात यह है कि 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे शरद पवार ने खुद को इस लिस्ट से बाहर रखा, लेकिन लोग भूले नहीं हैं पवार साहब किसी जमाने में पीएम बनने को सबसे ज्यादा बेकरार हुआ करते थे। खैर, ये शरद पवार के हसीन सपने हैं, इस सपनों में तो सबसे पहले कांग्रेस ही पलीता लगा देगी। ये तब की बात है जब 9 मन तेल होगा और फिर राधा नाचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।